हेलो गाइस, आप कैसे हैं? आप सब, आई होप आप सब बहुत अच्छे। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे भरमा मिर्च, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। फ्रेंड्स, तो ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाती है और दाल चावल के साथ में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाते हैं हम भरमा मिर्च। इसके लिए देखिए, मैंने 250 ग्राम भरमा मिर्च लिया था और एक कटोरी बेसन लिया था, एक चम्मच राई, एक चम्मच जीरा और हींग साथ में, और ड्राई मसाले। तो आइए बनाते हैं भरमा मिर्च। इसके लिए मैंने ये कढ़ाई चढ़ा दी फ्रेंड्स। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल का ले लिया है और हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तब इसमें हम राई और जीरा ऐड कर देंगे। ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया है तो हमने इसमें राई और जीरा ऐड कर दिया। तो इसको थोड़ा सा कड़क जाएगा जब हमारा जीरा, तब हम इसमें बेसन ऐड कर देंगे। हमें जैसे ही बेसन हम इसमें डालेंगे, हमें तुरंत चलाना है ताकि हमारा बेसन ना जल जाए, और इसको हम मध्य आंच पे कर देंगे फ्रेंड्स। बिल्कुल हमें स्लो आंच पे ही बेसन को भूनना है। आपको बेसन भूनने में कम से कम आपको 10 मिनट लग जाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से चलाते हुए बिल्कुल भी हमें बेसन को चलाना बंद नहीं करना है। जब बेसन की अच्छे से भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, तब इसमें हम हींग ऐड कर देंगे, क्योंकि हम पहले से अगर मसाले ऐड कर देंगे तो हमारे मसाले जल जाएंगे। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने लाल मिर्च ऐड कर दिया फ्रेंड्स, 1/2 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच हमने धनिया का ऐड कर दिया है और 1/2 चम्मच के लगभग हमने गरम मसाला ऐड कर दिया है, और इनको भी हम थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। जब आप ड्राई मसाले भूनते हैं तो इन पर बहुत ध्यान रखना तो होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं। तो हमें इनको लगातार चलाते जाना है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसमें गैस को ऑफ कर दिया था ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। ये देखिए, 1 चम्मच मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें अमचूर पाउडर का ऐड कर दिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, और इसको अब हम चालू करके थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, एकदम सुनहरा कलर आ गया हमारे बेसन का। ये देखिए, थोड़ा सा मैंने गैस को फिर से ऑन करके और फिर से इसको भून लिया था ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाएं। आप इसी तरीके से कीजिएगा ताकि बिल्कुल अच्छे से फ्राई भुनेगा आपका बेसन और बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहेगा। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे फ्रेंड्स, ताकि ये ठंडा हो जाए। थोड़ी सी 5 मिनट के लिए हम इसको ठंडा कर लेंगे। तब तक हम अपनी मिर्चियों को रेडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमने मिर्ची अच्छे धोकर सुखा ली थी फ्रेंड्स, तो जिसकी डंडी आपको ख़राब सी लगे तो आप डंडी निकाल दीजिएगा, वरना साथ में इसकी डंडी रखिएगा। और इसमें से जो एक्स्ट्रा जो मिर्ची के बीजे होते हैं वो मैं निकाल दूंगी, आप चाहें तो रख भी सकते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा तीखी हो जाती है, इसलिए अगर आप चाहें तो रख लीजिए वरना निकाल दीजिए। इस तरीके से हम इसको खाली करके पूरी रेडी कर लेंगे। आप इस तरीके आराम से काटिएगा ताकि दोनों साइड इसकी कट ना जाए, और इस तरीके से चौड़ा करके हम इसके जो मिर्ची के एक्स्ट्रा बीज है, कुछ बीज है तो हम उसमें छोड़ देते हैं, बाकी जो ज़्यादा होते हैं वो निकाल देते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरीके से सारी मिर्ची को हम रेडी कर लेंगे। अब जो हमने बेसन निकाल लिया, इसको हम थोड़ा सा पानी के साथ में गीला कर लेंगे। आप चाहें तो ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, बट इसमें फिर ऑयल ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं पानी डाल के ही, और पानी भी आपको बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं डालना है, आपको हाथ से पानी डालना है और फिर देखना है, चेक करना है कि हमारा जो मटेरियल है, बैटर है, वो किस तरीके से गीला हो गया है, उसके बाद ही हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। अगर आपको थोड़ा सूखा लगे तो आप थोड़ा पानी और डाल लीजिए। अभी मुझे सूखा लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा पानी और ऐड करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से एकदम से बिल्कुल पानी मत डालिएगा, नहीं तो इससे जो बेसन का ना टेक्सचर बिगड़ जाता है। और अब हमारे जो मिक्सचर रेडी हो गया, इसको हम मिर्ची में भर देंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से अच्छे से दबा दबा कर फिल कर देंगे।
और थोड़ी बहुत साइड में से अगर मिर्ची फट भी जाती है तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, वो इजीली पक जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस तरीके से हम सारी मिर्चियों को स्टफ कर देंगे। ये देखिए हमारी सारी मिर्ची भर करके तैयार हो गई हैं। अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए पहले से हमने ज़्यादा ऑयल लिया है तो इस समय मैं बिल्कुल भी ऑयल ज़्यादा नहीं लूँगी, बस पूरी कढ़ाई में अच्छी तरीके से ऑयल लगा दूँगी और बस अब इसमें हम मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए एक एक करके मैंने मिर्चियों को इसमें डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से अरेंज कर ली ताकि हमारी मिर्ची चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिकें। इसको हम 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम इनको पलट देंगे। आप चाहे तो इनमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं, मैं साथ के साथ में इसमें थोड़ा सा पानी का भी छिड़काव करूँगी ताकि हमारी जो मिर्ची है जले नहीं और अच्छी तरीके से पक जाए एकदम। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है फ्रेंड्स, कभी कभी ये पलटती नहीं है तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं इनको पलटने के लिए। ये देखिए सारी मिर्ची मैंने धीरे धीरे करके सभी को पलट दिया है और थोड़ा सा जब ये पक जाती है ना तो अपने आप ये टर्न ले लेती हैं। जब थोड़ा सा कड़क रहती है ना तब थोड़ा सा इनको पलटने में मुश्किल होता है। ये देखिए मैंने इसमें हल्का सा नमक और ऐड कर दिया फ्रेंड्स, और हल्का सा मैं इसमें पानी का छिड़काव भी कर दूँगी ताकि हमारा जो सॉल्ट है वो हमारे मिर्ची में ऊपर वाली परत में भी उसमें टेस्ट आ जाए। और अब इसको हम ढक देंगे, इसको हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे। ये देखिए हमारी मिर्ची बनकर रेडी है फ्रेंड्स, बीच बीच में हमने इसको चेक कर लिया था, अब हम इसको सर्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए बिल्कुल टेस्टी टेस्टी मिर्ची बनकर रेडी है। आप इसको चाहे तो रोटी के साथ, पराठे के साथ और दाल चावल के साथ में खा सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और बताइएगा आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।